आप सभी दर्शक बंधु को आलोक राजकुर से झारखंडी जोहार है, नमस्कार है दोस्तों। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम आए हुए हैं हॉस्पिटल, यानी कि आज हमको ब्लड डोनेट करना है। और एक पेशेंट है जिसको अस्पताल में ज़रूरत पड़ा और हम उसे पहचानते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग, उस पेशेंट के घर वाले लोग मेरे पिताजी से संपर्क किए और मेरे पिताजी हमें प्रेरित किए कि असहाय लोगों को मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। और आज हॉस्पिटल में वो बीमारी से जूझ रहा था और उनको अति ज़रूरी था ब्लड का, और उनको मिल नहीं रहा था क्योंकि वे सुदूरपुर क्षेत्र से आते हैं और काफ़ी दूर से आते हैं, यानी कि बैकवर्ड जगह से। एक पिसरार है, पिसरार का तुरियाडी जगह है, वहाँ से आते हैं। और आज उन्हीं को ब्लड का ज़रूरत था और आज हम आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ब्लड डोनेट करते हुए। और हमको आज मेरे पिताजी लेकर के हॉस्पिटल आए हुए हैं और मैं पहली बार किसी को डोनेट कर रहा हूँ, खून, वो भी अनजान व्यक्ति को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी अपने जो करीबी या फिर कोई जान पहचान में या फिर कोई अनजान व्यक्ति भी अगर खून के वजह से अगर किसी का ज़िंदगी बचता है, तो ऐसी जगह मैं आपसे भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप भी खून डोनेट करें ताकि एक असहाय या फिर एक व्यक्ति को, किसी को ज़िंदगी मिल सके। आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए इधर हम हॉस्पिटल में आए हुए हैं और इधर देख रहे हैं तैयारी हो रहा है ब्लड निकालने के। ये मेरे पिताजी हैं जो कि एक समाज सेवी हैं और इन्हीं से लोग संपर्क किए थे और खून का कमी है कहीं से उपलब्ध कराइए, इस तरह से विचार रखे थे। और मेरे पिताजी हमको बोले और हम आज खून डोनेट कर रहे हैं। पहले काफ़ी डर भी लग रहा था थोड़ा कि कैसा होगा, कैसा लगेगा, जब देखे बड़ा बड़ा स्वीट तो काफ़ी डर भी लग रहा था, लेकिन फिर सोचे कि थोड़ा सा मेरा कष्ट से और किसी का जान बच जाता है तो काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम वो सबको नज़रअंदाज करते हुए और आज हम डोनेट कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए, हर दिन हम सोम का वीडियो लेकर आते हैं और आज हम आप लोगों को हॉस्पिटल में आए हैं और हम चाहते हैं वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं आप भी जरूरतमंद को रक्तदान जरूर कहें। इतने कह के आलोक राजकोट से धन्यवाद।